नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेली गेमिंग क्लब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आज मैच खेला जाना है T20 वेस्ट इंडीज़ और वर्ल्ड 11 के बीच में। इस मैच की ड्रीम 11 टीम, प्लेइंग 11, सारी कुछ चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि ग्रैंड लीग में किस प्लेयर पे रिस्क लेना चाहिए, किस प्लेयर पे नहीं लेना चाहिए, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको बता दें, ये मैच जो खेला जाना है ये लॉर्ड्स लंदन में खेला जाना है, और लंदन की अगर बात करें तो इस समय जो वेदर है वो अच्छा नहीं है क्रिकेट के पर्पज़ से। वहाँ पर रेन की जो कंडीशन है, सिचुएशन है, वो कंटिन्यू बनी हुई है, और जैसा कि आप देख ही रहे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग कप के मैचेस में, मैक्सिमम मैचेस में बारिश आ जाती है, और मैक्सिमम मैचेस में क्या हो रहा है कि ओवर को रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है, बारिश आ सकती है और मैच को रिड्यूस किया जा सकता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। टॉप ऑर्डर को हमें प्रेफर करना होगा ज़्यादा, अगर आप 2 से 3 टीमें बनानी होंगी आपको इस मैच के लिए, अगर आपको ग्रैंड लीग जीतनी है तो कैसे टीमें बनानी है, क्या करना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको हमारे वीडियो लास्ट तक बने रहना है, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो। एक कुछ जाना नहीं है आपका लाइक करने में, बस लाइक कर दो जल्दी से। हाँ, देख क्या रहे हो, कर दो जल्दी से। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, आज की प्लेइंग 11, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड 11 की। वर्ल्ड 11 आपको पता है शाहिद अफरीदी इस समय कैप्टन है वर्ल्ड 11 के, और जो ओपनिंग करते हुए आपको दिख सकते हैं वो तमीम इकबाल और ल्यूक रोंची दिख सकते हैं, जिसमें ल्यूक रोंची की आप देखा होगा आपने PSL में खासकर बहुत इम्प्रेसिव पारी खेली हुई थी, कमाल की लाजवाब पारियां खेली हुई थी, तो आज भी बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं आपके लिए और हमारे लिए, खासकर ड्रीम 11 के पर्पस से, क्योंकि हमारा एम तो शायद अब जैसे जैसे ड्रीम 11 जब से आया तब से सबका एम कोई टीम हारे कोई जीते इससे ज़्यादा फ़र्क लोगों को कम पड़ता है, बस उनकी टीम जीतनी चाहिए, यानी जो प्लेयर उन्होंने लिया है वो परफॉर्म करना चाहिए। तो हम बस उन्हीं चीज़ों पे फोकस करने वाले, कौन सी टीम जीतेगी कौन नहीं जीतेगी इससे हमें शायद बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसके अलावा सैम विलिंग, सोएब मलिक, दिनेश कार्तिक, शाहिद अफरीदी, तीसरा परेरा, राशिद खान, मिचेल मैगलन, टाइम मिल्स, और यहाँ से जो चेंजेस हो सकता है मोहम्मद शमी, संदीप लक्ष्मणे और आदिल लासिद, इनमें से किसी एक को मौका मिल सकता है, ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि वो संदीप लक्ष्मणे के बनते हैं। संदीप लक्ष्मणे काफ़ी अच्छा किया था अभी तक IPL में दिल्ली डेविल्स की तरफ से, तो एक मौका है उनके पास अच्छा कुछ करने का बड़े लेवल पे, वर्ल्ड 11 के साथ उनको मौका मिला है खेलने का, तो कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़े बहुत चांसेस जो बनते हैं वो आदिल राशिद के बनते हैं। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के। तो वेस्ट इंडीज़ आपको पता है कि जो ओपनिंग करते हुए आपको नज़र आएंगे इवन लुइस और क्रिस गेल, दोनों का लगभग एवरेज परफॉर्मेंस रहा था IPL में, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज परफॉर्मेंस भी देखने को दोनों तरफ से मिल सकता है। हालांकि जो अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेटर हैं यहाँ पे क्रिस गेल हैं, क्योंकि इनके बारे में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये क्या करें, कंसिस्टेंट नहीं है अपनी बैटिंग को लेकर, कभी 100 बना देते हैं तो कभी 10 पे ही आउट हो जाते हैं, यानी ये कैसे प्लेयर हैं जिनसे उम्मीद आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ज़्यादा चांसेस जो बनते हैं कि आप इन पर रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अगर बात करें आंद्रे फ्रैक्चर, मैरन सैमुअल्स, दिनेश रामदीन, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, यहाँ से नर्से और रोमिन पेवल में से किसी को मौका मिल सकता है। इसके अलावा सहमद बद्री, केमो पाउल और रैम इमरित, इसके अलावा कैक्सरिक विलियम्स, ये कुछ प्लेइंग 11 हो सकती है। तो ज्यादा चांसेस जो बनते हैं यहाँ से वो नर्से के बनते हैं, रोमिन पेवल के थोड़े चांसेस कम है, अगर टीम बैटिंग की तरफ प्रेफर करेगी तो फिर रोमिन पेवल के साथ जा सकती है। अब तो बात करते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में। तो यहाँ से देख सकते हैं मैंने टीम बनाई हुई है, जो विकेट कीपर सेक्शन है उसमें मुझे दिनेश कार्तिक बेटर ऑप्शन लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दिनेश रामदीन। दिनेश रामदीन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। इसके अलावा बात करें इवन लुइस, सोएब मलिक, ल्यूक रोंची, क्रिस गेल, ये टॉप ऑर्डर मैंने सारा का सारा लगभग कवर किया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं ऑलराउंडर सबसे मानदेर रसेल, शाहिद अफरीदी और तीसरा परेरा। इसके अलावा बॉलिंग डिपार्टमेंट में राशिद खान, मिचेल मैगलन और क्रिसिक विलियम्स। तो ये कुछ अच्छी एक टीम, परफेक्ट टीम, बैलेंस टीम नज़र आ रही है। इसके अलावा जो यहाँ से अब चेंजेस करने की, अब कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात कर लें तो ल्यूक रोंची बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। इसके अलावा
शोएब मलिक भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, बॉलिंग भी कराते हैं। इसके अलावा जो एक ग्रैंडली के लिए ट्रंप कार्ड हो सकते हैं वो शाहिद अफरीदी हो सकते हैं, क्योंकि ये शाहिद अफरीदी आपको ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि ओपनिंग जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो ल्यूक रोंची और तमीम इकबाल के बनते हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी के भी थोड़े बहुत चांसेस हैं कि वो ओपनिंग करते हुए आपको देख सकते हैं और बॉलिंग में एक दो ओवर तो कराते ही कराते हैं, तो एक अच्छे ट्रंप कार्ड आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो आप इनको बिल्कुल एक टीम में कैप्टन जरूर बनाइएगा। इसके अलावा ल्यूक रोंची बिल्कुल बनाइएगा। हालांकि क्रिस गेल भी आपके पास ऑप्शन है, लेकिन आप क्रिस गेल पे ज़्यादा भरोसा मत करिएगा क्योंकि वो इतने भरोसेमंद प्लेयर हैं नहीं। इसके अलावा अगर बात करें, देखो यहाँ चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ से कैप्टन ल्यूक रोंची हो जाते हैं। वाइस कैप्टन की बात करें तो इवन लुइस या फिर शोएब मलिक, ये दोनों अच्छे ऑप्शन है, या क्रिस गेल, इनमें से किसी को बना सकते हैं। फिलहाल मैं इवन लुइस के साथ जा रहा हूँ, तो ये कुछ हमारी एक परफेक्ट टीम होगी, देख सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा अगर चेंजेस की बात करें, चेंजेस क्या कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। चेंजेस अगर बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो ग्रैंडी के लिए सैमुअल्स बहुत अच्छे ऑप्शन है, बहुत कम लोगों का फोकस इनके ऊपर है, देख सकते हैं यहाँ से मात्र 46% लोगों ने इनको सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपके पास चांसेस बनते हैं, यहाँ से आप मरे सैमुअल्स को ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इवन लुइस को भी छोड़ना, तो उनकी जगह पर तमीम इकबाल को ले सकते हैं। इसके अलावा ल्यूक रोंची काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लगभग 40% लोगों ने इनको लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर बात करें अंडर सेक्शन में, तो देख सकते हैं यहाँ से रसेल भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लगभग सभी लोगों ने इनको लिया हुआ है। तो तीसरा परेरा है, हालांकि तीसरा परेरा इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन तीसरा परेरा की जगह आप कार्लेस ब्रैथवेट को ट्राई कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह पर यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट में आप इस तरह से इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ प्लेइंग 11 बना सकते हैं, ये भी टीम काफ़ी अच्छी है। तो एक टीम में लेकिन आप शाहिद अफरीदी को कैप्टन ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ से अफरीदी को और साथ ही साथ मैं ल्यूक रोंची, या फिर यहाँ से देख सकते हैं कि जो राशिद खान है इनको भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो एक टीम आपके लिए ये भी एक अच्छी परफेक्ट टीम हो जाएगी। तो ये दो टीमें हैं, काफ़ी बैलेंस टीम है, दोनों को लगभग टॉप ऑर्डर कवर किया गया, क्योंकि बारिश की आशंका भी है, तो आप इस टीम के साथ जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर लाइक आप कुछ अच्छा अमाउंट जीतते हो तो फिर हमें फेसबुक पे या ट्विटर पे एक अपनी विनिंग ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ताकि मैं वीडियो में उसको दिखा सकूं करूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दें, ये देख रहे हैं ड्रीम इलेवन की ट्राई बिल्कुल ऐप है, माई टीम इलेवन ये भी काफ़ी अच्छी ऐप है, और यहाँ पे कंपटीशन लेवल काफ़ी कम है। और लगभग अगर लीग की बात करें तो यहाँ लीग देख सकते हैं, जितनी ड्रीम इलेवन में लीग हैं लगभग सारी लीगें इसमें हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी 70 लाख की लीग कवर की गई है। तो लीग की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी लीग आपको ड्रीम इलेवन मिलेंगी उतनी ही लीग इसमें भी मिलेंगी। तो आप यहाँ ट्राई करें ड्रीम इलेवन से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ग्रोविंग साइड है और आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करेंगे। ड्रीम इलेवन में काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि उनकी साइड जो है वो चीटिंग करती है लोगों के साथ, ग्रैंड लीग में खासकर। तो आप एक बार यहाँ ट्राई करिए, अपना अकाउंट बना लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, और अपना पैन कार्ड और ईमेल आईडी जरूर वेरीफाई कर लेना, ताकि आपको जो बोनस मिलता है 100 रुपये वो मिल जाए और आप उससे लीग खेल सकें। इसके अलावा अगर आपको प्लेयर मिस होने का डर रहता है तो फिर आपके लिए मैं एक साइट बता रहा हूँ, तो यहाँ से देख सकते हैं, ये है हाला प्ले। और हाला प्ले में क्या होता है, अगर आपने सुना होगा तो इसमें हम प्लेइंग 11 आने के बाद में भी टीम अपनी एडिट कर सकते हैं, तो आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से साइनअप कर लीजिए। साइनअप करेंगे तो ईमेल आईडी और पैन कार्ड वेरीफाई कर लीजिए, तो आपको 100 रुपये फ्री में मिल जाएंगे और उनसे लीग खेल सकते हैं। यहाँ पर प्लेइंग 11 आने के बाद में अपनी टीम एडिट बना सकते हैं। देखिए यहाँ लीग की कोई कमी नहीं, यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ी लीग हैं, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हैं और अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हैं, क्योंकि इसमें जीत चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप प्लेइंग 11 देखने के बाद अपनी टीम बनाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी साइट है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आएगी। तो मिलते हैं अपने वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, और उम्मीद करते हैं अच्छा खासा अमाउंट जीत